नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। भारतीय किसान यूनियन के युवा जिलाध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में किसान एकजुट हो गए। किसानों ने चमरौला में युवा जिलाध्यक्ष के पक्ष में पंचायत कर ग्राम ढोलापुरी और सैदपुरी में मार्ग अवरुद्ध करने के लिए मोर्चा संभाला। किसानों ने पुलिस को गांव चमरौला में न घुसने देने का निर्णय लिया है। पंचायत में उपस्थित किसानों ने किरतपुर थाने में दर्ज रिपोर्ट की निंदा करते हुए पुलिस से बिना किसी कार्यवाही के रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। दरअसल ग्राम चमरौला निवासी भाक्यू जिलाध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह, रतनपुर निवासी निक्की और पांडली निवासी रोहिताश व 30 अज्ञात किसानों के खिलाफ किरतपुर थाने में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने निक्की के घर पर तोड़फोड़ की, जिसके विरोध में किसानों ने चमरौला में गुरुवार की दोपहर बाद पंचायत कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चमरौला में चौधरी दिगंबर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को रोका जाएगा, जिसको लेकर किसानों ने चमरौला आने वाले ग्राम ढोलापुरी और सैदपुरी में मार्ग अवरुद्ध कर दिया। किसानों ने कहा कि चौधरी दिगंबर सिंह के साथ सभी किसान गिरफ्तारी देंगे। वहीं चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि पुलिस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न न करे, सीधे मुझे गिरफ्तार करे। मैं दिगंबर सिंह, भारतीय किसान यूनियन का युवा प्रदेश अध्यक्ष, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाई जाती है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन मुकदमे लिखकर उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। इस आवाज़ को किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जाएगा। आज जनपद बिजनौर की पुलिस जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके घरों पर तोड़फोड़ करने का और उनके घरों का पुनः उठा कर लाने का काम कर रही है, हमने आह्वान कर दिया कि जिस कार्यकर्ता के घर पर पुलिस जाएगी, पुलिस तोड़फोड़ करेगी, वो कार्यकर्ता अब जा जेल जाएगा। जनपद का हर कार्यकर्ता जेल जाने के लिए तैयार रहे। अगर जनपद का किसान ये चाहता है कि जनपद के अंदर किसान की आवाज़ नहीं दबनी चाहिए, तो हर किसान से, हर सामाजिक संगठन से और हर सामाजिक व्यक्ति से हमारी अपील है कि अब समय आ गया है हिटलर शाही के खिलाफ लड़ने का, आवाज़ उठाने का। और मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ, अपने आवास पर हूँ दिगंबर सिंह चमरौले में। अगर पुलिस चाहती है गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार घर से कर ले, और पुलिस चाहती है कि कहीं मैं थाने पाऊँ गिरफ्तारी देना, तो पुलिस मुझे जगह टाइम और दिन बता दे, दिन जगह टाइम पुलिस का होगा और गिरफ्तारी दिगंबर देने के लिए तैयार है। अब हम जेल जाएंगे, एक ही नारा और एक ही बात हमारी है। किसान की जो भी समस्या होगी, बिजली का ट्रांसफार्मर अगर फूकेगा तो किसान अब जा थानेदार से लेगा। अब जा किसान बिजली दफ्तर में नहीं जाने का। गन्ने का पैसा अगर मिल वाले नहीं देते तो हम तो थानेदार से लेंगे पैसा। हम मिल पर पैसा मांगने नहीं जाते, क्योंकि मिल पर अगर हम पैसा मांगने जाएंगे और जरा सा हमने ऊंची आवाज़ में कोई बात कह दी तो हमारे खिलाफ़ मुकदमा होगा, मुकदमा लिखेगी पुलिस। तो भाई हम तो अब जाएंगे। आदरणीय राकेश टिकैत जी और पूरे संगठन को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है, पूरा संगठन इस विषय पर लगा हुआ है। संगठन जो भी निर्णय लेगा, हमने संगठन के लिए, किसान के लिए काम करा है, और संगठन जो भी निर्णय लेगा वो संगठन हमें स्वीकार रहे हो, निर्णय स्वीकार रहे होगा। बहरहाल जनपद के किसान जो हैं वो अपनी तैयारी करो, अब जा इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। तो क्या 9 तारीख से जेल भरो आंदोलन की भी तैयारी? वो बिजनौर जनपद के किसानों ने एक तैयारी की है, जिले की कमेटी ने की घोषणा हुई है कि 9 तारीख से बिजनौर जनपद के किसान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। वो जिला कमेटी की घोषणा है, ऊपर प्रदेश और राष्ट्र की कमेटी जो है वो अपना निर्णय देगी, तैयारी कर रही है। सरकार से बात कर ले, वो कर ले, वो बात कर रहे हैं, जो भी उनका आदेश होगा वो मानेगा। दिगंबर सिंह की सुरक्षा के लिए और अपनी आन-बान के लिए, अपने मन मिटने तक को तैयार, उसके लिए हम 2 चौकी कायम कर रहे हैं। एक चौकी ढोलापुरी में कायम कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व जो है वहाँ के हमारे हरिजन भाई करेंगे, और एक तरफ इधर सैदपुरी गांव है, एक चौकी उधर होगी जिसका नेतृत्व हमारे मुस्लिम भाई। हम और बाकी रास्तों पर जो है दूसरी और चौकी बनाई जाएंगी, जिस पर जो है कुछ बाहर के आदमी रहेंगे, कुछ गाँव के आदमी, और उनका बिल्कुल रात दिन 24 घंटे पूरी निगरानी रहेगी, और हर तरीके से लड़ने, मरने, मारने, कटने को हर तरीके से तैयार रहेंगे, और जो टकराव होगा तथा टकराव के लिए हम तैयार।